Hello students, today we discuss relation and function. This chapter is very important for you because relation and function जो chapter है वो हमारा class 12th में भी है. Class 12th में ये हमारा chapter number 1st है. So relation function में जो आप यहाँ पर read करोगे class 11th में, ये आपका 12th में भी काम आएगा. So that's why it's very important for you. ठीक है, रिलेशन फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रिलेशन फंक्शन से पहले मैं इसके आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे वाले कवर करती हूँ. रिलेशंस पे हम बाद में आएंगे और फंक्शंस के बाद हमारी इसकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी फंक्शन पे. आज फंक्शन कुछ भी डिस्कस नहीं हो. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर्ड पेयर. हमारे क्लास क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं. ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है जी. ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? देखो, जैसे आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर, कोई चीज पेयर बन रही है, राइट? कि आपके पास कोई चीज पेयर में बन रही है. कि यहां पर ऐसा होगा, आपके पास ए और बी, ए एंड बी टू सेट्स होंगे. आपके पास टू सेट्स होंगे. ए में से, इस सेट ए में से कोई एलिमेंट ए होगा, इस सेट में से एलिमेंट बी होगा, और उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, वो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है. ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है. हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है कि ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, बी बिलोंग्स टू बी. जैसे कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं हम इससे, ए और बी से. रिमेंबर, इसको हम डिनोट इसी ब्रैकेट से करते हैं. इस ब्रैकेट में अगर हम डिनोट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? सेट. इसे हम बोलेंगे एक सेट, और इस ब्रैकेट को हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इक्वालिटी. Equality of ordered pair. Equality of ordered pair. अच्छा, equality क्या होती है? Equality मतलब कि कोई दो चीजें equal होंगी, जैसे A B X Y. हमारा ये आपस में equal होगा कि A हमारा, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A X के equal है और B Y के equal. ये होता है हमारा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. ए एक्स के इक्वल है और बी वाई के इक्वल है. ठीक है, इसे हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. जो आपकी एक्सरसाइज ये 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो डिपेंड ही इस क्वेश्चन पे है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पे. उसको हम डिस्कस करेंगे अभी. पहले हम ये पढ़ लेते हैं. इक्वालिटी होगी अब हमारी पास. उसके बाद इक्वालिटी के बाद हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट. हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ठीक है, आपको फिजिक्स में भी आएगा ये चीज. फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के पास फिजिक्स में भी आएगी. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, राइट? ये समझते हैं हम प्रोडक्ट को. इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ए क्रॉस बी, नॉट ए मल्टीप्लाई बी, ए क्रॉस बी. और एक आपके पास ऐसी भी आती है फिजिक्स में, इसको बोलते हैं ए डॉट बी. होती मल्टीप्लाई है बट बोलने का वे अलग है. इसको बोला जाता है ए क्रॉस बी. कैसे होती है ये? इसमें हमारे पास, मान लो आपके पास एक सेट है ए, ठीक है. उस सेट में एलिमेंट है हमारे पास 1, 2, 3. एक सेट है बी, उसमें एलिमेंट है 1, 2. ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालना है. ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 1, 1 को 2 से, 1, 2, फिर 2 को 1 से, 2, 1, 2 को 2 से, 2, 2. ठीक है, फिर उसके बाद 3 को 1 से, फिर 3 को
सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, थर्ड एलिमेंट फर्स्ट के साथ, थर्ड एलिमेंट सेकेंड के साथ, ये होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। आगे हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ सेट या नंबर ऑफ रिलेशन, कुछ भी नंबर ऑफ सेट पढ़ लो। चलो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई एन ए क्रॉस एन बी, मतलब दैट मींस टू से एम क्रॉस एन एम एम, राइट। अब यही सेट ले लो, अगर हम एग्जांपल में लें, एन मतलब नंबर ऑफ, एन से समझ आ रहा है ना, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन ए अगर हम यहां से बताएं, एन ए हमारा कितना है 3, एन बी कितना है 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एन ए क्रॉस बी निकालना है, एन ए क्रॉस एन बी, दैट मींस टू से ये हमारा, इसको एम बोलते हैं इसको एन, 3 2 6, ठीक है। वैसे भी पता चल रहा है मतलब हमारे एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं 6, आपने ऐसे काउंट नहीं करने 1 2 3 4 5, नो, मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट हैं इस सेट में, हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। ये हमारा यहाँ पर कवर होता है, हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें यही टॉपिक है, उसके बाद हम रिलेशन पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है। है सपोज कर लेते हैं x by 3 plus 1, कुछ ऐसा ही है 2y by 3 plus 1, और यहां पर ऐसे दिया हुआ है 2 और 3 मान लो, चलो ठीक है। फाइंड करना है आपको x एंड y, यहां से इसका इक्वालिटी मतलब इक्वल दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, तो इक्वालिटी लगानी है। इस वाला एलिमेंट को इसके इक्वल x by 3 plus 1 equals to 2, x by 3, 2 minus 1, x by 3, 1, x equals to 3. Same y, 2y by 3 plus 1 equals to 3, 2y by 3, kya jiga 3 minus 1, 2y by 3, 3 minus 1, 2, yahan se 2y equals to 3, 2 just 6, y aayega 6 upon 2, hamara 3, तो x 3 y 3, ये हमारा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का क्वेश्चन कवर होता है। सेम आपके पास क्वेश्चन है सेकंड कि अगर हमारे पास, हम बुक से डिस्कस कर लेते हैं, हाँ जी, क्वेश्चन है इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी 3 4 5, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। उन्होंने बोला है अगर आपके पास कोई सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट्स है, मतलब कि एन ए 3 है, एन बी में उन्होंने एलिमेंट्स दे रखे हैं 3 4 5, मतलब कि ये हमारा बी सेट दे रखा है 3 4 5, तो एन बी कितना हुआ 3। यहां से निकालेंगे एन ए क्रॉस एन बी, ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 हमारा क्या आ गया 9, राइट। उसके बाद है अगर हमारे पास जी जो है, अगर हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये एक्सरसाइज का, ये सेकंड, ये फर्स्ट था सेकंड, अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अगर हमारे पास इफ जी इक्वल्स टू 7 और 8 और H equals to 5 4 2, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है G cross H and H cross G, right? अब देखो हम निकालते हैं G cross H, तो क्या है G cross H, 7 और 5, 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2, राइट। और H क्रॉस G क्या आएगा,
एच क्रॉस जी, अब उल्टा हो जाएगा, 5 7 5 8, 5 को 7 से, 5 को 8 से, फिर 4 7 4 8, 2 7 2 8, राइट। ये हमारा हो गया, हमारे यहाँ पे हमने जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी हमारा यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद है, अगर आपका सेट ए -1 और -1 है तो तब क्या करना है, क्या है क्वेश्चन, इफ इफ ए है -1 -1, फाइंड a क्रॉस a, तो a क्रॉस a मतलब कि -1 और -1, -1 और -1, सिंपल है, -1 पेयर बन जाएंगे, -1 का -1 के साथ, 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 और a क्रॉस a निकालना है, 3 का निकालना है, तो 3 में हमारे पास ज्यादा नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, सेम -1 को -1 से -1 को -1, मतलब सारे इस टाइप से ही होंगे, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जो है हमारे इसी तरह से परफॉर्म होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं रिलेशन की इंट्रोडक्शन देती हूँ। रिलेशन मतलब किसी चीज का रिलेशन, राम श्याम का रिलेशन, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, वो एक रिलेशन होता है, ठीक है। रिलेशन हमारा जो है क्या होता है कि एक सेट का ए के साथ, एक दूसरे सेट का बी के साथ, उनका आपस में जो रिलेशन होना है उसे हम बोलते हैं रिलेशन, ठीक है। जैसे कि हम इसको डिनोट करते हैं ए आर बी, दिस इज कॉल्ड रिलेशन। रिलेशन का मतलब यहाँ पर रिलेशन है ए और बी का, ए का रिलेशन बी के साथ है, ठीक है। अब इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन एंड फंक्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।